भारतीय जनता पार्टी ने सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही चार राज्यों में उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी ने सिक्किम में 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, वहीं गुजरात में 5, हिमाचल प्रदेश में 6 और कर्नाटक में 1 और पश्चिम बंगाल में 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन करने वाले सभी 6 लोगों को टिकट दिया गया है। वहीं धर्मशाला विधानसभा सीट से सुधीर शर्मा, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, सुजानपुर से राजेंद्र राणा, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलैहर से देवेंद्र कुमार भुट्टो को प्रत्याशी बनाया गया है। सिक्किम में उम्मीदवारों की पहली सूची में बीजेपी ने 14 नामों का ऐलान किया था। अब दूसरी सूची आने के साथ 23 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो चुका है। यहाँ कुल 32 विधानसभा सीटें हैं और लोकसभा सीट की 1 सीट है। सभी सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सिक्किम में अकेले चुनाव लड़ रही है। पहले यहाँ बीजेपी और सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के बीच गठबंधन था, लेकिन अब यह गठबंधन टूट चुका है। राज्य में बीजेपी धीरे धीरे पैर जमा रही है और यहाँ की एकमात्र राज्यसभा सीट जीतने में भी सफल रही है।